विटामिन से भरपूर सेहत से लबालब। अगर आप इसे हर रोज सुबह एक चम्मच एक गिलास दूध के साथ लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग बनी रहेगी और आप हेल्दी बने रहेंगे। इसका टेस्ट डाबर च्यवनप्राश से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। बिहार में इसे जिरमानी के नाम से भी जाना जाता है और नई नई डिलीवरी के बाद मदर्स को बनाकर ये दिया जाता है ताकि दूध उसे अधिक मात्रा में बने और बच्चे को माँ को गर्माहट इसे मिलती रहे। ये इतना पावरफुल है कि सर्दी खांसी से लेकर कोरोना जैसी बीमारी से भी आपको बचा सकता तो है। चलिए रेसिपी देखते हैं। हमें लेना है 250 ग्राम कच्चा हल्दी। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और ये हर संक्रामक बीमारियों से हमारे शरीर को बचाता है। इसके बाद हम लेंगे 100 ग्राम आंवला। आंवला में विटामिन सी होता है और ये इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद 250 ग्राम हम अदरक लेंगे। अदरक में भी बहुत सारे औषधीय गुण होता है और कई विटामिन भी होते हैं। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन सभी कुछ पाया जाता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद हम लेंगे 50 ग्राम मंगरेला यानी कलौंजी। इसमें अमीनो एसिड और प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है। इसके साथ साथ पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी इसमें पाया जाता है। तो इसे हमने धोकर और 10 मिनट के लिए फूलने के लिए डाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं 50 ग्राम जीरा। जीरे में भी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। इसे भी हमने फूलने के लिए डाल दिया है धोकर। इसके बाद हमें लेना है 100 ग्राम देसी घी और इस रेसिपी को देसी घी में ही बनाएं। इसके बाद हम लेंगे 700 ग्राम गुड़। 700 ग्राम किस लिए? तो 250 ग्राम हमारा हल्दी है, 250 ग्राम अदरक, 500 ग्राम और 100 ग्राम ये आंवला है, तो 600 ग्राम और ये जीरा और किलौंजी मिला के 100 ग्राम, तो 700 ग्राम हो गया और 700 ग्राम ये गुड़। मतलब जितना इंग्रेडिएंट्स है उधर टोटल उतना ही हमें गुड़ भी लेना है। तो अब हमें हल्दी और अदरक को छील कर साफ़ कर लेना है, ऊपर का छिलका हटा लेना है। तो इस तरीके से चाकू से हम ऊपर से छील लेंगे इसे और हल्दी को भी इसी तरीके से हमें छील कर साफ़ कर लेना है। तो हमने हल्दी को अदरक को अच्छे से छील लिया है और सभी चीज़ों को धो कर साफ़ कर लिया है। अब छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि हमें पीसने में आसानी हो जाए और बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। तो सभी चीज़ों को काट कर रेडी कर लेंगे। सबसे पहले आंवला, हल्दी, अदरक सभी चीज़ों को, ये रेडी हो चुका है। अब मिक्सी का जार लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये डालेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी भी इसमें डाल लेंगे ताकि पीसने में आसानी हो जाए। बहुत अच्छी तरीके से ये पीस जाता है, एकदम से पतला, कोई दिक्कत नहीं होता। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। एक बार चेक कर लें कि इसमें अगर गुठलियाँ बची हुई हैं तो थोड़ा सा इसे और चलाकर फाइन कर लें। अब जो बचा हुआ है अदरक हल्दी उसे भी हम डाल लेंगे जार में और इसे भी पीस लेते हैं। जीरा को भी इसी में मैं डालूंगी क्योंकि स्पेस खाली है अभी जार में। आप चाहें तो जीरा मंगरेला अलग से पीस सकते हैं। जीरा को मैंने धोकर साफ़ करके और फिर फूलने डाला था तो पानी के साथ ही हम इसमें डाल लेंगे। मंगरेला हार्ड होता है तो इसे फुलाना बहुत ज़रूरी है एकदम फाइन पेस्ट करने के लिए। तो 15 से 20 मिनट इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे तो आराम से ये फूल जाएगा। और खूब अच्छे से आपको मिक्सी चलाना पड़ेगा इसे फाइन पेस्ट बनाने के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी बीच में ऐड करते हुए इसे पीस लेंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, हल्दी अदरक तो आसानी से पेस्ट बन जाता है लेकिन मंगरेला को थोड़ा सा आपको चलाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि फाइन हुआ या नहीं। बिल्कुल पतला हो जाना चाहिए इसका पेस्ट। ठीक है, अब हम सभी को मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसमें डालना है 1 से 1.25 लीटर के आसपास पानी और पानी डालकर इसे हम मिक्स करेंगे, मिला लेंगे। इसका घोल एकदम सा पतला होना चाहिए, पतला घोल हमें बनाना है। ये देखिए इतना पतला हमें रखना है इस घोल को। अब इस गुड़ को भी हमने तोड़ कर इस तरीके से कर दिया है ताकि घुलने में इसे आसानी हो और जल्दी पिघल जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो 100 ग्राम जो घी हमने लिया था इसे कढ़ाई में डालेंगे और इसे पिघलने देंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और इसे लाइट ब्राउन होने देंगे। जैसे ही जीरा लाइट ब्राउन हो जाए अब इसमें हम डालेंगे ये सारा घोल जो हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है, आंवला, हल्दी, अदरक, मंगरेला, जीरा, इन सब का। अब इसमें हम डालेंगे ये गुड़। थोड़ा थोड़ा करके गुड़ डाल रही हूँ मैं क्योंकि कढ़ाई मेरा पूरा भर चुका है और ये ऊपर से छलके ना, तो इसका भी ध्यान मुझे रखना है। अब जो बचा हुआ गुड़ है उसे भी हम इसमें डाल लेंगे, चलाते रहेंगे और
गुड़ को मेल्ट होने देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखना है और हाई गैस फ्लेम पर हम इसे पकाते रहेंगे इसी तरीके से चलाते हुए। गुड़ पिघल चुका है और झाग बन गया है, तो झाग को हम निकाल लेंगे साइड से इस तरीके से, और ये क्लीन हो गया है। अब बस इसे हमें चलाते हुए पकाना है फुल फ्लेम पर। इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो गया है, तो साइड साइड से बीच से हम इसे चलाते रहेंगे। कुछ सेकेंड्स के लिए आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर से चलाते रहिए इस तरीके से, ताकि नीचे से ये लगे ना जमे ना। कलर भी इसका चेंज होने लगा है और इसमें थिकनेस भी आने लगी है। तो बस आपको इसी तरीके से चलाते रहना है साइड से बीच में भी, ताकि नीचे से ये लगे ना। जब तक इसकी कंसिस्टेंसी पतली हो तो आप गैस का फ्लेम हाई ही रखें, हाई पर पकाएं, और जब इस तरीके से थिकनेस आने लगे तो आप गैस का फ्लेम मीडियम रख सकते हैं बीच बीच में, और फिर हाई भी करें। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे इसी तरीके से पकाते रहें। बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी पे आ गई है ये, और क्वांटिटी हाफ रह गया है जितना था उसका, तो बहुत ही प्यारा कलर भी आ चुका है, और ये ठंडा होने के बाद और भी ठीक हो जाएगा। तो इस कंसिस्टेंसी पे हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद और इसे हम ठंडा होने देंगे। इसे बनाने में हमें 50 मिनट लगे हैं टोटल, और अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। अब ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब इसे हम स्टोर कर लेंगे, चाहे तो प्लास्टिक के बोतल में या फिर कांच के बोतल में, लेकिन अंदर से अच्छे से कपड़े से पोंछ कर सुखा ले पहले, और उसके बाद स्टोर करें। इससे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट है ना, वो डाबर च्यवनप्राश से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा। तो आप इसे इस तरीके से स्टोर करके और 2 से 2.5 महीने तक खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठंड का मौसम है तो बहुत ही फायदेमंद है ये। छोटे बच्चे को दूध पिलाने वाली माएँ इसे ले सकती हैं, जिससे उनके दूध में बढ़ोतरी हो, और इसे सेवन करने से दूध के माध्यम से बच्चे को भी गर्माहट मिलती है, और इससे माँ के साथ साथ बच्चे का भी इम्यूनिटी बढ़ता है। 1 चम्मच हर रोज ये 1 ग्लास दूध के साथ लीजिए, और अपनी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा कर रखिए। कोई भी बीमारी हो, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, कोरोना, सारी बीमारियां आपसे दूर भागेंगी डर कर। टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा कि बच्चे मांग कर खाएंगे। विटामिन से भरपूर, सेहत से लबालब इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।